हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की तैयारी कैट की काफ़ी अच्छी चल रही है। अब अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितने मंथ बचे हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है। और कैट की जो डेट आई है, आई थिंक 24th of November है। आई एम कोजी कोट इसको कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। खैर, कोई भी आई एम कंडक्ट करवाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पेपर तो जैसा आना होगा वैसे ही आएगा, ठीक है। अगर उन्होंने सोचा इजी बनाना है तो इजी आएगा, और उन्होंने सोचा टफ बनाना है तो टफ आएगा, ठीक। लेकिन आज हम पूरा डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के सेक्शन पे। तो लास्ट 4 to 5 ईयर से देखा गया है कि मैथ्स का लेवल कंपैरेटिवली 2006, 2007, 2008, 2009 में जो कैट का पेपर आता था उनसे अभी काफ़ी ईजी आ रहा है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं इस बार भी कि मैथ्स का लेवल ना तो बहुत हाई रहेगा ना बहुत लो रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर स्टैंडर्ड इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया था मैथ्स में, ठीक। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियोस में हम लोग LRDI और वर्बल एबिलिटी का भी डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आप मान के चलो अभी आपके पास 4 मंथ्स हैं, है ना। 4 मंथ में आपको मैथ्स की पूरी तैयारी करनी है, मान लेते हैं कि जीरो से करनी है। हाँ, जिनकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप में से कई स्टूडेंट के मेरे पास मेल आते हैं कि सर अभी तक हमने तैयारी चालू नहीं की है, अभी क्या स्कोप है हमारा कि कैट में कितनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप ये सब बातें ध्यान से सुनना कि तैयारी अगले 4 महीने में कैसे की जाए, ठीक। अच्छा, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं मेनली मेरे हिसाब से, है ना। एक वो होते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग अलग होगी। एक होते हैं मैथ्स बैकग्राउंड के और एक क्या होते हैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि नॉन मैथ्स वालों की मैथ्स अच्छी नहीं होती। तो जिन भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी मैथ्स अच्छी है, तो आप अपने आप को अगले कुछ देर के लिए मैथ्स बैकग्राउंड का मान लेना, ठीक है। तो हम लोग अभी जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे अगले 4 मंथ के लिए, है ना, उसमें देखेंगे कि अगर हमारी मैथ्स अच्छी है तो हमें कैसे तैयारी करनी, और अगर हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है तो हमें कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। दोनों के लिए मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक। अब कैट का पैटर्न के पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी। तो लास्ट 2-3 ईयर्स से जो पैटर्न है कैट का, उसमें 1 आवर मैथ्स के लिए होते हैं, और मैथ्स का सेक्शन नॉर्मली लास्ट सेक्शन होता है, 3rd आवर वाला जो सेक्शन होता है ना, इसमें से 34 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, ठीक है। तो अगर इजी कैट आता है, अगर कैट का पैटर्न बहुत लो है, तो 95% प्लस के लिए 27+ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर कैट का यही पैटर्न टफ हो जाता है तो 20+ क्वेश्चन पे भी आपके 95+ परसेंटाइल आ सकते हैं, ठीक। ये हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि अगर इजी आया तो कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, टफ आया तो कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक आप मेरा वो वीडियो जरूर देख लेना, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वाला, उसमें मैंने स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, इसमें मैंने आपको बताया था कि कितने स्कोर पे कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, और इसमें मैंने 2017 एंड 2018 कैट को कंपेयर भी किया था। तो ये वाला वीडियो आप बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब मैथ्स के टॉपिक की बात कर लेते हैं कि हमें टॉपिक्स कौन कौन से तैयार करने, ध्यान से सुनना टॉपिक, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लेना, है ना। सबसे पहले उठाते हैं हम टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आने को क्वेश्चन आए आउट ऑफ 34 तो 5 to 7 भी आ सकते हैं, ठीक। अब लास्ट टू लास्ट ईयर कैट में क्या हुआ था, नंबर सिस्टम से एक्स सेट इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में दे दिया था, तो अब जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ मैथ्स में ये काम आएगा नंबर सिस्टम। हो सकता है कि ये SCF LCM के लॉजिक पे कोई क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी पूछ लें,
तो ये तैयार करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में आपको टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले होता है नंबर ट्री, ठीक, नंबर ट्री के बाद डिविजिबिलिटी रूल, ठीक, फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, है ना, सब लिखते जाइएगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, इनको चेक करना, है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा यूनिट डिजिट, डबल डिजिट। डबल डिजिट पे आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी कैट 2008 में, है ना, 7 की पावर 2008 पूछा था उन्होंने। इसके लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगे, इसके अलावा आज तक आया नहीं है। लेकिन वही, अब मैं जैसे ऊपर बोला था मैंने कि मैथ्स और नॉन मैथ्स, तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो अगर आपको ये टॉपिक स्किप करना है कर सकते हो, लेकिन जिनकी मैथ्स अच्छी है वो एक क्वेश्चन की भी क्यों रिस्क उठाएं, वो पूरा करो, है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, फिर अब आगे इसमें आ जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेलिंग जीरोस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, या लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ एनी फैक्टोरियल, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, है ना। पहले टॉपिक सीख लो फिर स्ट्रेटेजी की बात कर लेंगे, ठीक। इसके बाद आता है फिर सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन, है ना, फैक्टोरियल, ट्रेलिंग जीरोस हो गया। इसके बाद फैक्टर थ्योरी, फैक्टर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आप पक्का मान के ही चलो कि फैक्टर थ्योरी से एक अर्थ तो आएगा ही आएगा, है ना। फैक्टर थ्योरी के बाद SCF LCM, एक क्वेश्चन इससे भी मान लो। और SCF LCM के कॉन्सेप्ट पे कैट में 2 साल पहले करीब रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो सीधे सीधे 4 क्वेश्चन का एक सेट ही आ गया था, है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है करना। SCF LCM के बाद रिमाइंडर थ्योरम, है ना, कई बार बेस सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेस सिस्टम, ठीक। तो ये है नंबर सिस्टम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप देख लेना कि कितने सारे टॉपिक्स इसमें हमने कवर कर लिए हैं, इसलिए नंबर सिस्टम अपने आप में एक पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। इतने टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने, इवन अभी जो हमारा मैथ्स का वीडियो लेक्चर्स हम ले रहे हैं उसमें नंबर सिस्टम के ही हमारे अप्रॉक्सीमेटली 20 वीडियोज़ हैं, आप सोचो कितना डीप में उसमें डिस्कस हुआ होगा, ठीक है। तो आप में से अगर कई लोग हमारा वीडियो कोर्स लेना अभी भी चाहते हैं कैट के लिए, तो आराम से अभी भी ले सकते हो, उसमें कितनी भी बार आप चाहो तो रिवाइंड कर करके सुन सकते हो, ठीक है, और कैट में उससे बाहर तो ऐसे भी कुछ नहीं जाएगा। खैर, ये हो गया नंबर सिस्टम की बात। अब नंबर सिस्टम के बाद हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं अर्थमेटिक के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नंबर सिस्टम तो चलो इसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आते होंगे, कई नहीं आते होंगे, लेकिन मेरा मानना है भले मैथ्स बैकग्राउंड के हो चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक आप अच्छे से कर ही लेना, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक इकलौता ऐसा पार्ट है मैथ्स में जो मैथ्स वालों का भी अच्छा होना चाहिए, नॉन मैथ्स वालों का भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर लो लेवल का कैट आता है या मीडियम लेवल का कैट आता है तो फिर मेजर पार्ट आ जाता है अर्थमेटिक से, ठीक है। अर्थमेटिक से फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक देखने को मिलेंगे, और लो लेवल का कैट का मतलब ही है कि फिर उनके दिमाग में है कि नॉन मैथ्स वाले भी अच्छे स्कोर कर पाए, है ना। इसलिए अर्थमेटिक का पार्ट आप भले ही मैथ्स के बैकग्राउंड के हो चाहे नॉन मैथ्स के हो, आप अर्थमेटिक वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लो जिन बुक्स से भी आपको करना हो। इसमें टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, जैसे रेशियो, है ना, एवरेज, ठीक, परसेंटेज। अब परसेंटेज के साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये सब देख लेना। अच्छा, SICI से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, SICI से अगर क्वेश्चन आते हैं तो अभी तक के पूरे कैट को उठा के देख लें तो 4 से 5 क्वेश्चन भी नहीं आए होंगे, है ना, बहुत कम आते हैं। इन रेशियो से आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, एवरेज से मिलेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से, सॉरी,
दो तीन तो मिलेंगे, तो इन तीनों को अगर 1, 2, 3 देखें, रेशियो एवरेज और परसेंटेज, आप मान के चलो 5 to 6 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे मिनिमम, ठीक। रेशियो एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI हो गया, इसके बाद आप देख लो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें हम लोग काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपने वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप मान के चलो अगर मिनिमम आए, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम अगर आए तो 4 भी आ सकते हैं, यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस में 2 to 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी हल्के में नहीं ले सकते, लाइटली नहीं ले सकते, ये आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, ठीक। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद हम आते हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी इजी टॉपिक है, तो मेरा मानना है कि ये भी आपको करना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो 1 to 2 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, है ना, इन दोनों को मिला के एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको सब कुछ कवर करना है, जैसे बोट्स भी है ना, ट्रेन भी है ना, रिलेटिव स्पीड, रेस, रेस से नॉर्मली कम क्वेश्चन आते हैं, अगर आया तो एक आध आ गया, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, वो बहुत कम आता है, और एक हो गया सर्कुलर मोशन, है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस में इतने टॉपिक कवर कर लेना। टाइम एंड वर्क जो है मैंने अभी बताई दिया, एक या दो क्वेश्चन आएंगे अगर आए तो, लेकिन ये कर लेना कि क्योंकि हो सकता है कि LRDI में कोई रीजनिंग में एक आध सेट टाइम एंड वर्क से उठा के दे दें, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस जो हो गया एंड टाइम एंड वर्क, ये भी आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि रीजनिंग में इनसे कोई सेट उठा के आ जाए। लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक कैट 2016 में टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे रीजनिंग में पूरा सेट ही आ गया था 4 क्वेश्चंस का, तो आप इन टॉपिक को भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। मिक्सचर एंड एलिगेशन ऐसा टॉपिक है जिसपे कैट में आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था 2018 के पहले, यानी ऐसा नहीं कि आया ही नहीं था, एक या दो क्वेश्चन आए थे टोटल अभी तक जितने भी कैट हुए, लेकिन अब वही है, जैसे अभी हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, है ना, लास्ट ईयर भी अगर स्ट्रेटेजी की ऐसी किसी ने सोचा होगा तो उसने देखा होगा यार कि मिक्सचर एलिगेशन से तो क्वेश्चन ही नहीं आते, एक या दो ही आते हैं, वो भी अभी तक आए एक या दो, है ना, कई कैट ऐसे हैं जिसमें आए नहीं क्वेश्चन, हो सकता है लास्ट ईयर किसी ने मिक्सचर एंड एलिगेशन छोड़ के गया और टॉपिक, तो कैट 2018 में क्या गेम कर दिया उन्होंने, मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही 3 to 4 क्वेश्चंस पूछ लिए एक अकेले कैट में, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको टॉपिक्स तो सब देखने ही पड़ेंगे एक एक बार, भले ही लो लेवल पे आप कर लो, जैसे मान लो कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा हो, आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, आपको कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है, कह रही याद ही नहीं हो रहा, इसके फॉर्मूले ही याद नहीं हो रहे, तो भी मेरा मानना है कि ऐसे कई टॉपिक्स में आप उनके लो लेवल के क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व कर ही लो, क्योंकि अगर उनसे 3 या 4 क्वेश्चन आ गए तो पूरे की पूरी प्रोबेबिलिटी उसकी है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो वो उसमें से इजी पूछेगा ही, तो कम से कम आप उसके इजी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाओ। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो मेरा मानना टॉपिक कोई मत छोड़ो, हाँ जो टॉपिक आपको इजी लगता है उसको आप हाई लेवल तक कर लो, और जो टॉपिक आपको टफ लगता है उसके आप कम से कम बेसिक लेवल तो कर ही लो। बेसिक लेवल लाइक आप कोई भी नॉर्मल बुक्स जो होती हैं RS अग्रवाल टाइप की, उनसे आप उसका बेसिक लेवल तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पे भी, ठीक। ये सेकंड पार्ट अपना हो गया अर्थमेटिक का, ठीक। अब आते हैं मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री में। अच्छा, मेंसुरेशन ज्योमेट्री में एक चीज ध्यान रखना, इसके पहले आप एक टॉपिक जरूर कर लेना, क्या लिखा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री। कैट में पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड का उन्होंने कैट बनाया तो वो लोग 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स तो ट्रिग्नोमेट्री से दे ही रहे। तो अगर आपने 10th लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री कर ली बेसिक वाली,
जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, साइन टू थीटा टेन टू थीटा कॉस टू थीटा, साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, है ना, साइन ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। इतने फॉर्मूले अगर याद कर लिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो मेरा मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री के अगर दो क्वेश्चन आते हैं कैट में तो वो दोनों आपसे बन जाएंगे। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री आप टेंथ लेवल तक की बहुत अच्छे से कर लो, और ट्रिग्नोमेट्री अगर स्ट्रॉन्ग कर ली तो इसका फायदा ऑटोमेटिक आपको मेंसुरेशन ज्योमेट्री में दिख ही जाएगा। तो अगर हम बात करें मेंसुरेशन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, तीनों से मिला के आप मान के चलो 6 to 8 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसमें फिर ज्योमेट्री का होता है, मैक्सिमम पार्ट किसका होगा, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कर ली तो आपको वैसे ही आसान लगने लगेगी। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, भले ही आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो। हाँ, जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना ट्रिग्नोमेट्री ये सब, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और ज्योमेट्री को फिर वो बिना ट्रिग्नोमेट्री के सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रूफ करके कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री फिर भी आप लोग बेसिक लेवल की तो कर ही लेना, और जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था तो ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे लेवल पे करो, टेंथ तक की जितनी भी थी, और फिर मेंसुरेशन ज्योमेट्री, क्योंकि 6 to 8 क्वेश्चंस की बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री का, है ना, इसमें सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं हमारा मेन और फाइनल पार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेंसुरेशन ज्योमेट्री में एक चीज़ और सुन लो, इसमें आप लोग अगर मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर कर लेना, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आता है तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, और जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, अगर वो कहीं भी इंस्टीट्यूट जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो वहाँ का सिर्फ थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि कैट में वो लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे और सही कर लेंगे। तो इनकेस आप कहीं भी इंस्टीट्यूट जाते हो, आपने ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भले ही आपसे बन रहा हो चाहे ना बन रहा हो, आपकी कोचिंग में जो भी आपको थ्योरी दी गई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, बस उतने ही को ही आप बहुत अच्छे से कर लो और उनके बेसिक क्वेश्चंस आप कर लो। तो इनकेस अगर कैट में 1 or 2 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वो आपसे बन जाएंगे। ठीक, अब आते हैं हमारे मेन और फाइनल पार्ट पे, जो कैट में मेन परसेंटाइल डिसाइडर वाला काम करते हैं, ये पार्ट होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा का भाई सिंपल सा फंडा है, अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा तो वो इजी नहीं होगा, है ना। आप में से कई लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है लेकिन ये सच्चाई है, अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है तो वो इजी नहीं आता, मीडियम या हाई लेवल का होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कैट टफ आया तो फिर मेजर पार्ट जो होता है वो अलजेब्रा का होता है। अगर कैट इजी आया तो मेजर पार्ट किसका रहेगा, अर्थमेटिक का, लेकिन अगर कैट टफ आया तो मेजर पार्ट किसका होगा, अलजेब्रा का। तो अब अलजेब्रा में हम टॉपिक्स देख लेते हैं, हमें कौन कौन से कवर करने रहेंगे। सबसे पहले बात करें तो ग्राफ्स, शुरुआत आप ग्राफ से ही करना, बहुत काम आएंगे। देन फंक्शन, है ना, फंक्शन एंड ग्राफ हो गया। देन आप कर लो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स। ठीक, इसके बाद आप कर लो इनइक्वालिटी, अभी इनमें भी वो ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। इनइक्वालिटी के बाद आप ले लो ये अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर आप कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, और मेन अब जो आएगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है प्रोग्रेशन, सिक्वेंस एंड सीरीज। प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड स्पेशल सीरीज। ठीक, अब देखो ग्राफ एंड फंक्शन से अगर क्वेश्चन है, ग्राफ से तो क्वेश्चन हो सकता है ना भी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको हर टॉपिक में यूज होगा। फंक्शन से नॉर्मली क्या होता है, टू क्वेश्चंस आ जाते हैं,
ठीक। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो फंक्शन आप बहुत अच्छे से कर लेना, है ना, भले ही आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो चाहे ना हो। और इन केस अगर आपको उसमें भी कोई डाउट हो आए तो ध्यान देना, मैंने अपने वीडियोस में 18 वीडियोस बनाए हुए हैं अलजेब्रा के, जिसमें ये सबके सब टॉपिक्स कवर हैं, है ना। तो आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हो या ना जाते हो, आप मेरे अलजेब्रा के पूरे 18 वीडियोस फॉलो कर लो, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कैट में, ठीक है। तो मेरा अलजेब्रा का एक भी वीडियो मिस मत करना आप, ठीक है। मेरे अलजेब्रा के आप पूरे वीडियोस देख लो कैट के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक। तो उसमें फंक्शन की जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं अपने वीडियोस में, फ्री में ही है, वो आप देख लेना तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक। फिर लीनियर क्वाड्रेटिक से भी आप मान के चलो 2 अप्रॉक्स क्वेश्चंस आ जाएंगे। इनइक्वलिटी से अगर आया तो 1 या 2 आ जाएंगे, लेकिन इनइक्वलिटी से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, फिर भी आप 1 और 2 मान के चलो, है ना। प्रोबेबिलिटी से नॉर्मली कैट में क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आप एक हाथ मान के चलो, अगर आना हो तो 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो जो नॉनमेस वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी को एस्केप कर सकते हैं। प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप 4 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलो इसमें, तो प्रोग्रेशन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्रेशन के आप 4 क्वेश्चन मान के चलो, तो प्रोग्रेशन आप बहुत अच्छे से कर लेना। अब इसके बाद एक आता है फिर लॉग। लॉग से आजकल अप्रॉक्स 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। लॉग में आप अगर फॉर्मूले याद करने बैठोगे तो मुश्किल से 4 to 5 फॉर्मूलेज हैं जिनसे पूरा लॉग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो भले ही आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आप लॉग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो तो आपके 2 क्वेश्चन भी यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे बनने की, ठीक है। तो आप लॉग बहुत अच्छे से कर लो, नॉन मैथ्स वाले जो हैं वो फंक्शन बहुत अच्छे से कर लो, इनइक्वलिटी कर लो, बहुत आसान होती है कैट में जो आती है, ठीक है। तो आप मेरे अगर वीडियोज़ देखोगे जो 18 वीडियोज़ हैं, उसमें हमने कैट के 2008 तक के पूरे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं फ्रॉम 1990। तो 1990 से लेकर 2008 तक के आपको अलजेब्रा के 18 वीडियोज़ में पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसमें कई बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कई शॉर्ट ट्रिक होंगी जो आपने अपनी कोचिंग तक में नहीं पढ़ी होंगी। तो ध्यान से मेरे वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक तैयारी का मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे करनी है, ठीक। एक चीज़ तो हो गई है पढ़ाई वाली, उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं अभी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग जितने ज़्यादा हो सके मॉक दो। मॉक आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोगे, उतना ज़्यादा आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, उतना ज़्यादा आप उसको इम्प्रूव करोगे, और उतने ज़्यादा आपके परसेंटाइल आएंगे, ठीक है। तो आप मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दो, ठीक है, उसमें अपना स्कोर चेक करो और कोशिश करो कि अच्छे परसेंटाइल आएँ, है ना। आप अपने जिस भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो वहाँ पर डिस्कस करो कि कैसे क्या प्रिपरेशन और होनी चाहिए ताकि मॉक में नंबर इंक्रीज़ हो, ठीक है। हमारे थ्रू अगर आपको मॉक लेने तो हम लोग टेस्ट फंडा के प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट फंडा में बस प्लस पॉइंट ये है कि लास्ट 5 to 6 ईयर का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि टेस्ट फंडा में ऑन एन एवरेज जो आपके परसेंटाइल आते हैं, है ना, कैट में प्लस माइनस 5 ही होता है, उतने परसेंटाइल आपके कैट में आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे टेस्ट फंडा पे काफ़ी ट्रस्ट है। तो आप टेस्ट फंडा चाहे अगर परचेस करना चाहते हो तो मेरे थ्रू भी कर सकते हो, हाँ। बस इसमें ये प्लस पॉइंट है कि अगर आप मेरे थ्रू टेस्ट फंडा के मॉक परचेस करोगे तो आपको हमारी वेबसाइट के जो टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जिनकी मैथ्स बिल्कुल वीक है या जिनकी मैथ्स में उनको शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत है, तो वो हमारे वीडियो कोर्स जो मैथमेटिक्स का है वो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मैथ्स का जो वीडियो कोर्स है उसमें काफ़ी कम लिंक बची हैं, अप्रॉक्स 10 लिंक ही प्रोवाइड कर सकते होंगे हम लोग, ठीक है। तो मैथ्स की आप वीडियो लिंक ले सकते हो, उसमें हर टॉपिक की पहले हमने थ्योरी आपको दी गई है, उसके बाद उसमें हम आपको मेल पे एक PDF भेजते हैं, ठीक है। उस PDF में 30 क्वेश्चंस रहते हैं, और वो 30 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद उन 30 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है अगले वीडियो में। तो बहुत ही, और वो जो 30 क्वेश्चन रहते हैं उसमें बेसिक टू हाई लेवल हर क्वेश्चन हम कवर करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप चाहो तो हमारा मैथ्स का वीडियो कोर्स परचेस कर सकते हो, और इस बात की तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि कैट में उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्वेश्चन उसी पैटर्न के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज हो सकती है। उसके अलावा तो हमारा जो वीडियो कोर्स है, पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसके अलावा आ ही नहीं सकता, ठीक है।
अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी, डायरेक्ट पेमेंट की उसमें भी लिंक दी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एबिलिटी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।